नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुराग शर्मा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। यहां एनकाउंटर के डर से कुख्यात बदमाश शादाब ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर सरेंडर किया। मेरठ में आजकल पुलिस के मिशन एनकाउंटर का खौफ बदमाशों में साफ देखने को मिल रहा है, जिसके चलते 25,000 रुपए के इनामी बदमाश शादाब ने एनकाउंटर के खौफ से खुद को पुलिस के हवाले सौंप दिया। दरअसल कुछ दिनों पहले चीनू नाम के हिस्ट्री सीटर की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें शादाब हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। एसएसपी मेरठ अजय साहनी ने कहा कि पुलिस ने आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था, जिसके बाद से पुलिस लगातार फरारी बदमाश की तलाश कर रही थी। लेकिन मेरठ पुलिस के खौफ से बदमाश खुद एसएसपी ऑफिस में सरेंडर करने पहुंच गया। घटना की जानकारी मिलते ही लिसाड़ी गेट पुलिस ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शादाब को हिरासत में ले लिया। मेरठ ब्यूरो से सोनू खान की रिपोर्ट। सर, मुझे बताया जा रहा है, मैं इस मामले में ओबीसी में आ रहा था, हमारा फैसला करवाया उन्होंने, हमारा कुछ झगड़ा चल रहा था पुलिस से, शाम दोपहर में फैसला हुआ, शाम के 5-4 बजे, और फिर मैं घर से आ रहा था, जब ही हमारी थोड़ी देर पहले फोन पर बात हुई, ये आ रहे थे चुनू चाचा, सनी, बाप का नाम उसके नवाब है, एक मौसी, बाप का नाम कामू है, इन्होंने गोली मारी दोनों में, मैं भी वहीं खड़ा था। जो बात है तो तुम पे कितना इनाम था? मेरे को 25,000 रुपये का इनाम बता रहे हैं। किस खौफ में आए हो आज? पुलिस की दहशत से आए? जी, पुलिस की दहशत से आया हूँ। आज क्यों आए थे आप यहाँ पे? सर, मैं पुलिस की दहशत से आया हूँ सर। सिलेंडर करना है? सिलेंडर करना है सर। ये लिसाड़ी गेट का एक शादाब नामक अभियुक्त है, जिसने एक हफ्ते पहले एक हत्या में नामजद है लिसाड़ी गेट से, उसमें पुलिस को इसकी तलाश थी और इस पर 25,000 रुपये का रिवार्ड था। अभी ये अपने परिजनों के साथ मुजफ्फरनगर के किसी पत्रकार को लेकर आया हुआ है कुछ लोगों के साथ, और इसका ये कहना है कि हम सरेंडर करना चाह रहे हैं और हमें जेल भेज दीजिए। और अभी संबंधित थाने के जो आईयू है उनको बुलाया गया है, विधिक कार्रवाई होगी, सुनिश्चित की जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इनकाउंटर तो बड़ी मजबूरी में पुलिस एंगेजमेंट होते हैं, और अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो एंगेजमेंट होते हैं। अब इसके अंदर किस बात का डर है या क्या है वो अलग बातें हैं, वो आईओआर है, पूछताछ क्लियर करेगा।